Hello, this is Prableen. I'm working at Amandeep Medicity as psychologist. I have completed my graduation from HMU Jalandhar and Masters in Psychology from Guru Nanak Dev University, Amritsar. Today, we'll discuss the relationship between stress and asthma. साथ दी बीमारी वॉट कॉजेज एस्थमा अगर आप इस चीज़ पर बारीकी नाल ध्यान दईए तो अपनी लाइफ के अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रेसर्स ने जिन्हों आप नज़रअंदाज कर दें और वह छोटे छोटे स्ट्रेसर्स बहुत व्डा रोल प्ले करते हैं शरीरक बीमारी के उन्होंने एक बीमारी है एस्थमा साह की बीमारी वो किदा कि जो अपनी वर्क या फैमिली लाइफ के अपनी पर्सनल या प्रोफेसनल लाइफ के जो स्ट्रेसस ने जिसनों असं मैनेज नहीं कर पा रहे वो हौली हौली अंदरों जाके रेस्पीरेटरी या होर भी हार्ट सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं बट द मोस्ट कॉमन वन इज एस्थमा साह की बीमारी नंबर वन नंबर टू हूँ जो सूँ पता लग जाता कि कुछ स्ट्रेसिस ने चाहे वह अपनी फैमिली के वर्क या होम एनवायरमेंट के असी अपने अपने तरीके उन्होंने डील करने की कोशिश करते हैं जबकि सानू नहीं करनी आती है बट वो जी सा कोशिशा होंगे ने वो उस बीमारी होर खराब कर देंगे ने क्योंकि वी डोंट नो द रियल पैटर्न हाउ वी शुड सॉल्व इट ओनली द डॉक्टर नोज तो जो असं अपने आप हकीम बनने की कोशिश करते हो चीज़ा होर ज़्यादा गुंझलदार कर देंगे ने तो एस्थमा या साह की बीमारी या होर शरीरक बीमारियां वधांदियां ने इस तो इलावा डिप्रेशन या एंगजाइटी अगर एक पेशेंट ऑलरेडी किसी साइकैट्रिक इशू के नाल जूझ रहा है तो उसनू एस्थमा होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी अ मेंटल इशू अ स्ट्रेसर इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द माइंड इन दैट दैट पर्सन तो उहदे विच एस्थमा होना बहुत ज़्यादा लाइक चांसिस हाई हो जाते हैं सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ नू अपनी डे टू डे लाइफ नू ईजी किया जाए सो यस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल आस्पेक्ट के नाल अ पेशेंट नीड टू रिजॉल्व एवरी इशू हुण की चीज़ है जो एस्थमा एज अ साइकोलॉजिकली इशूज क्रिएट करता है एंड वी डिस्कस द रोल ऑफ एस्थमा ऑन मेंटल हेल्थ बिकॉज मेंटल पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो आप एस्थमा के नाल बंदा जूझता है तो ऑब्वियसली साह की बीमारी लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी बंदा अगर वो प्रॉपरली अगर कुछ सोच नहीं पा रहा कुछ काम नहीं कर पा रहा अनकंफर्टेबल है अनईजीनेस है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लो होएगी प्रोडक्टिविटी लो पर्सनल एंड प्रोफेशनल एट वर्क प्लेस ही मे ऑल्सो फील द लो राइट देन लो मूड अनप्लेजेंट थॉट्स अगर बंदा ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली विचार भी उदा ही आएंगे तो अगर ऑल ओ ये विचार एंशियसनेस डिप्रैशन के वल भी लेके जा सकते ने और कितना कितने अगर इस चीज़ पर काबू ना किया गया तो ये सुसाइडल टेंडेंसी वल भी का रूप भी ले सकते ने इसलिए यदि मेडिकेशन एंड डॉक्टर्स के को जाना बहुत जरूरी है कि अगर मेडिकेशन प्रॉपर ना हो तो लाइक दे कैन कॉज अदर बॉडी इशूज लाइक डायबिटीज हार्ट इशूज कैंसर एक्सेट्रा 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 शुरुआत कितों होंगी है छोटिया छोटिया स्ट्रेसस तो जो कि डे टू डे लाइफ जिन्होंने आप इग्नोर कर दें कि चल छोटी जी चीज़ है कोई नहीं देखी जाऊगी तुम उस स्ट्रेस में अंदर लेके जाते हो चाहे वह एस्थमा मीनस चाहे वह रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहे वह किडनी चाहे वह हार्ट कोई ना कोई स्टमक अपसैट हो जाता है सानू नींद डिस्टर्ब हो जाती है इस कोई ना कोई बॉडी इशूज आते हैं सो जो मिनिमल जे आप स्ट्रेसिस डे टू डे लाइफ में आप इग्नोर कर दें कि देखी जाऊगी वह बहुत महंगी देखी जाती है उस तो बाद चो चाहे वह फिजिकली होए चाहे वह मेंटली होए चाहे वह फैमिली होए या फाइनैशियली होए सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एट द वेरी फर्स्ट हैंड जो अपने छोटे छोटे चीज़ा जिसे आप कहने कि छोटे छोटे चीज़ों के खुशियां लवो लिटिल मोमेंट्स में इंजॉय करो उदे जो छोटे छोटे स्ट्रेसिस ने उन्होंने इग्नोर ना करो आई एम अवेलेबल एट अमनदीप मेडिसिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड माई टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 to 6 And you can consult me for any emotional, psychological concerns. Thank you.